हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, इसके आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा निकाली गई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के से रिलेटेड पोस्ट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो नोटिफिकेशन आया है ये ASRB से आया है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, ये जो ASRB है, इसे हम लोग, ये हमारा है ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये जो ASRB है, ये आपका नेट का एग्जाम भी जो है कंडक्ट कराता है और आपका जो है ARS एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जो है आपको यहाँ पे साइंटिस्ट की पोजीशंस के लिए भी जो है कि ASRB जो है आपका एग्जाम कराता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पोस्ट है ये आपकी पोस्ट निकाली गई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर के लिए भी यहाँ वैकेंसीज को निकाला गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पे लेवल की, तो पे लेवल आपको मिलेगा वो 10 मिलेगा और 7 पे कमीशन आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग आपका ग्रेड पे रहेगा वो 15,600 टू 39,100 रुपीज यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की, तो वो डेट आपकी 23 जुलाई 2021 11 AM, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने की वो है 23 अगस्त 2021, और जो लास्ट डेट है आपका फी पेमेंट का वो भी आपका रहेगा 23 अगस्त 2021, ठीक है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे Tier 1 में आपका ऑनलाइन CVT बेस्ड आपका एग्जाम होगा, तो उसका डेट है 10 अक्टूबर 2021, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने Tier 1 का ही जो है वो आपका यहाँ पे एग्जाम डेट अनाउंस किया है, जो कि 10 अक्टूबर 2021 है, और Tier 2 और Tier 3 का जो एग्जाम डेट है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसीज आपकी रहेगी, तो आपकी 44 वैकेंसी है AO की, ठीक है, और आपकी जो 21 वैकेंसी वो FNAO की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने वैकेंसी मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे फाइनेंस और एकेडमिक ऑफिसर की जो वैकेंसीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए, 44 में 7 जो अनरिजर्व, 4 EWS, 7 SC, 2 ST और OBC की 14 वैकेंसीज हैं। वहीं यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की पोजीशंस अलग है, और जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी और PWBD के लिए अलग है, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो अलग है, ठीक है। तो आपका मेन जो है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज को अच्छे से देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ पे कितनी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी कैटेगरी में दी गई हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सेंसर क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएट डिग्री होना आपका मस्ट है। तो आपका यहाँ पे जो है ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और अगर आप जो है OBC या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो मेरी 50% होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे आपका भी कैंडिडेट मस्ट है ग्रेजुएट डिग्री, तो आपके यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर हम बात करें अभी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे अगर आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में है या अकाउंटिंग में है, कॉमर्स में है, तो आपको यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो देखिए, आपका अगर आपके यहाँ पे PG डिग्री इन्होंने मेंशन किया, ठीक है, अगर PG डिग्री आपका है फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में, तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये हमारा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो सेंटर्स आपके रहेंगे वो Annexure 1 में ऑलरेडी मेंशन है। तो Annexure 1 में आपका जो है Tier 1 के जो सेंटर्स है वो क्लियरली आपको मेंशन किए गए हैं। वहीं Tier 2 का जो सेंटर है वो आपको Annexure 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी। इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी 21 ईयर्स जो है वो एज मिनिमम होनी चाहिए, और आपका जो एज है 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम जो है आपका, ये मिनिमम हो गया आपका एज 21 ईयर्स, और मैक्सिमम जो आपका है वो 30 ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप 30 ईयर्स से ऊपर हैं तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप OBC या SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलेगा एज पर GOI, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ 5 ईयर्स का जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं फ़ी की, कि आपको अप्लाई करने के लिए कितना फ़ी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ़ी इन्होंने दे रखा है कि अगर आप जनरल यानी अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ टोटल 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जैसे 480 आपकी एग्जामिनेशन फ़ी है और 20 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी। वहीं अगर आप वुमेन हैं या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी 20 रुपीज़ जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, जिस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। वहीं अगर बात करें फॉर फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे आपको अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज़। वहीं अगर आप वुमेन या एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूबीडी तो आपको यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ और यहाँ दे रखी है कि अगर आप जो है दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी और फाइनेंस एंड एओ के लिए, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा फॉर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वही वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको 40 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये सारा जो है आपका फी पेमेंट के बारे में डिटेल दे रखा है। इसके अलावा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा www.asrb.ac.org.in, तो इस वेबसाइट पर जाके जो है आप अपना जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है वो 23 जुलाई 2021 है और जो लास्ट डेट है 23 अगस्त 2021 है, ठीक है। तो ये लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी और फी पेमेंट की भी, तो ठीक है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज फॉर फी पेमेंट, ठीक है। तो दोनों के लिए जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त यहाँ पे मेंशन कर रखी है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है इसे आप अच्छे से पढ़िए कि आपको क्या क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा कि आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप इसे जो है अच्छे से पढ़ें और अप्लाई करने से पहले अपना स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर और जो भी आपका फोटो है, ठीक है, यानी कि फोटो आप अपना तैयार रखें, उसका साइज 150 KB जो है मैक्सिमम है, तो इससे नीचे ही अपना फोटो का आप साइज पहले करके रख लें, इसलिए इसी तरह सिग्नेचर भी आप 80 KB से नीचे कर लें, ठीक है। तो ये पहले दोनों चीज़ें आप स्कैन करके रख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्नेचर और फोटो हर फॉर्म में मांगे जाते हैं। तो आप ये अगर करके रख लेंगे तो आप अपने आने वाले जो टाइम में अगर आप और भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप उसके लिए भी जो है इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए ब्लू इंक में लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको स्कैन करके रखना है, उसका साइज भी मैक्सिमम 80 KB होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो आप इसको जो है कंप्रेसर की हेल्प से, या आप जो बोल सकते हैं इमेज कंप्रेसर, या अगर पीडीएफ में तो आप इमेज कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं जिससे आपका साइज जो है वो कम हो जाएगा, या पेंट यूज कर सकते हैं। पेंट में आप जो अपना पिक्सल जो पिक्सल होता है उसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये ठीक है। तो आप इसके थ्रू जो है आप अपना जो साइज है फोटो का या सिग्नेचर का वो या लेफ्ट थंब इंप्रेशन का वो आप जो है लाइक विद इन रेंज ला सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमने आपके साथ जो है डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये जो ब्रोच्योर है ये अच्छे से पढ़ें और इसे पूरा लाइक केयरफुली पढ़ें कि और आप इसमें किसी पॉइंट को स्किप मत करें, ठीक है। जैसा कि मैं बस आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वही सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है पूरा ब्रोच्योर को अच्छे से पढ़ें अप्लाई करने से पहले। तो देखिए एनेक्जर वन में आपको टायर का, यहाँ टायर वन का जो एग्जामिनेशन है उसका आपको यहाँ पे सेंटर और स्टेट देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 34 स्टेट्स में जो है यहाँ पे आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तो आपको कहीं पर भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप टायर वन में जो है सक्सेस हो जाते हैं तो आप यहाँ पे टायर टू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टायर टू के सेंटर सिर्फ 12 है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है टोटल यहाँ पे सेंटर सिर्फ 12 है, तो आप अपने घर के पास अगर आपने टीयर वन क्वालिफाई किया तो आप टीयर टू के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं जो आपके घर के पास हो, ठीक है। तो बाकी ये रूल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, जो कि सबको पता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इतना
जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप करें उससे पहले आप इसे ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट कि आपका एग्ज़ाम वो कैसा रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो टायर वन का जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न हम आपको बता देते हैं। तो देखिए सेक्शन ए बी सी डी रहेगा, तो जनरल नॉलेज के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एंड नुमेरिकल एबिलिटी के आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन, और लैंग्वेज कंप्रेहेंशन के भी आपके यहाँ 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इसी के तरह जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आपका निगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/3 जो है आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी मैंसन कर रखी है। तो आप जब भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये सब सोच के करें, और एग्जाम देने से पहले आप देख लें कि आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे इन्होंने मैंसन कर रखी है, क्लियर। तो 1/3 की आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टीयर टू का सिलेबस दे रखा है, तो अगर आपने टीयर वन जो है वो क्वालिफाई कर लिया है तो टीयर टू आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर रहेगा। पेपर वन 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस रहेगी, इकोनॉमिक सोशल साइंटिफिक एंड कल्चर फील्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। वहीं पेपर टू जो आपका रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस का 150 मार्क्स का रहेगा। पेपर थ्री आपका टू पार्ट्स में रहेगा, एसे राइटिंग वन एसे राइटिंग टू, इसका भी 150 मार्क्स रहेगा। और जो पेपर फोर रहेगा वो आपका एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का रहेगा, तो इसका भी आपको 150 मार्क्स जो है रहेगा। टोटल यहाँ पे 266 यहाँ पे आपका 600 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पे टोटल जो है टायर टू का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप टायर टू जो है टीयर टू आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे टीयर थ्री का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि एक इंटरव्यू फॉर्मेट रहेगा। तो इसका पैटर्न जो है वो इंटरव्यू फॉर्म में रहेगा, तो ये जो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो टोटल 700 मार्क्स से जो भी आपका टीयर टू का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें से आपको यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एग्रीगेशन ऑफ मार्क्स 700 दैट इज मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन टीयर टू एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 600 का था टीयर टू एग्जाम उसका, और आपका जो है स्ट्रक्चर इंटरव्यू यानी कि 100 मार्क्स जो आपकी आपका रहेगा, तो यहाँ पे टोटल 700 मार्क्स की बेस पे जो है आप यहाँ पे मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, तो ठीक है। तो मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। तो मेरिट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ दिस 700 मार्क्स, तो इसमें कट ऑफ जारी किया जाएगा, उस कट ऑफ की बेस पे सपोज अगर जो आपका अगर 620 मार्क्स हो रहा है और मिनिमम कट ऑफ अगर 600 गई है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेस में आपका जो है मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट का जो पैटर्न है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू पर्सनैलिटी का जो लाइक पैटर्न है वो आपका रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे दे रखा है 60% एंड एबव मार्क्स है तो आपको यहाँ पे 5 मिलेगा मार्क्स, आपको यहाँ पे 55% से एबव बिलो 60% है तो 4 रहेगा। ऐसे आपका हाईएस्ट डिग्री जो भी है उसका 5 मार्क्स रहेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का 5 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज का 10 मार्क्स, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट स्टडी 20, पर्सनैलिटी 20, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20, और एप्टीट्यूड एंड सुटेबिलिटी 15। तो ये टोटल आपका जो है 100 मार्क्स रहेगा इंटरव्यू के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये इंटरव्यू का 100 मार्क्स आपका रहेगा, ठीक है। तो आपका 600 जो मार्क्स रहेगा वो आपका हो जाएगा टीयर टू का, प्लस 100 मार्क्स जो है आपका यहाँ पे रहेगा इंटरव्यू का। तो टोटल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका जो टोटल रहेगा वो रहेगा 700 मार्क्स, तो इसी के बेस पे जो है आपका यहाँ पे मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे आपको सिलेबस जो है देखने को मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होगा, तो यहाँ पे सेक्शन ए जनरल नॉलेज, सेक्शन बी जनरल इंटेलिजेंस, साथ में से क्वेश्चन भी मेंशन कर रखे कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आप इस तरह अब जो है आप अपना पूरा सिलेबस भी देख सकते हैं, और सिलेबस देखने के बाद जो है आप इसकी प्रिपरेशन इसके बेस पे कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए टीयर टू एग्जाम का भी जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसका भी यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी बेस पे जो है आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म भी आई थिंक देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन आपको कैसे फिलअप करना है वो सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपका डिस्कस कर लिया कि एग्जाम पैटर्न, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू का भी, और बाकी ये सब सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पैटर्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म सर्टिफिकेट है, अगर आप एस सी एस टी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लेटेस्ट होना चाहिए, कोई भी आप जो है पुराना सर्टिफिकेट अपना नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, उसका फॉर्मेट यहाँ मेंशन कर रखा है, तो आप इसके थ्रू जो है अपना जो ओबीसी या एससी एसटी का सर्टिफिकेट वो आप बनवा सकते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।